स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ से भी नमस्कार दीदी। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दीदी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको स्वयं सहायता से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले मिलेगी, जी हाँ, प्रेरणा टीवी चैनल के माध्यम से। अभी दीदी इस समय काफ़ी तेज़ी से कोविड-19 फैल रहा है, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। जी हाँ, बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो दीदी प्लीज़ प्लीज़ दीदी आप लोग हमेशा मास्क लगाकर घर में रहें, और बाहर जब भी निकले तो 2 लेयर का मास्क लगा के निकलें, और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। इस समय जो है SHG का काम काफ़ी धीरे चल रहा है। आप लोग काफ़ी फ़ोन करती हैं कि दीदी हमारा अभी इस समूह का पैसा नहीं आया है, तो हमारा RF नहीं आया है या CIF धनराशि नहीं आई है। तो आप सभी को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि अभी इस चीज़ को लेके परेशान ना हो कि हमारा पैसा नहीं आया है और नहीं आएगा। आएगा, आप लोग का पैसा ज़रूर आएगा। अगर आप समूह में जुड़ी हैं, पंचसूत्र का पालन कर रही हैं और समूह को चलाना चाहती हैं, तो पैसा भी ज़रूर आएगा। आप लोग को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जान रही हैं कि इस समय कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पहले अपने आप को बचा लेना है, उसके बाद तो समूह हम लोग को चलाना ही है। और आपको हर प्रकार की समूह की जानकारी हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। हमारा मोबाइल नंबर दीदी लिख सकती हैं, 6387877662, ये हमारा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप नंबर दोनों है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो चलिए दीदी आप लोग को कुछ मैं बातें बताना चाहती हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने, अंत तक वीडियो देखें, सोच के छोड़ के वीडियो ना जाएं। तो जो इस प्रकार है दीदी, फेफड़ों को रखना है मजबूत। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि फेफड़ों को हम लोग को मजबूत रखना है। मजबूत तो आज ही छोड़ दें ये आदतें, जी हाँ, मजबूत तो आज ही छोड़ दें ये आदतें और ये फ्रूट, वरना बढ़ जाएगी परेशानी आप सभी की। जी हाँ, कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा नुकसान फेफड़ों को ही पहुँचाता है। आइए जानते हैं कि अपने लंग्स हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। फेफड़ों को रखना है मजबूत तो आज ही छोड़ दें ये आदतें और ये फ्रूट, वरना बढ़ जाएगी परेशानी। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से, जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप ने सबसे ज़्यादा असर लोगों के लंग्स पर ही डाला है। इस वक्त लोगों का अपना फेफड़ा हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको ऐसी आदतों और खाने के बारे में बताएंगे जिससे लोगों के लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, साथ ही ऐसी आदतों और डाइट के बारे में भी बात करेंगे जिससे आपके लंग्स मजबूत हो जाते हैं। जी हाँ, जिससे आपके लंग्स मजबूत हो सकते हैं। पहले ये जानते हैं कि शरीर में फेफड़ों का महत्व क्या है। आपके फेफड़े शरीर में सांस ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं। संतुलित आहार खाने से आपके फेफड़ों मजबूत रहते हैं और अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं, इसलिए फेफड़ों को हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी है। फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये फ्रूट करें, जी हाँ, अपने डाइट में शामिल एक हाई फाइबर फ्रूट्स। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने खाने में फाइबर से भरपूर डाइट शामिल करें। आप मटर, दाल, फलियां, चिया सीड्स, किनुआ, जी हाँ, नेनुआ, नाशपाती और ब्रोकली आदि शामिल करें, इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे। आपको शायद ना पता हो मगर काफ़ी भी फेफड़े के लिए काफ़ी अच्छी है। हर रोज़ 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीना फेफड़ों के लिए अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे आपके फेफड़े हेल्दी होते हैं। कोशिश करिए कि आप ब्लैक कॉफ़ी पिएं। साबुत अनाज भी फेफड़ों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है।
आप होल ग्रेन आटा, चावल, जई और जौ आदि अपने डाइट में शामिल करें। इसमें विटामिन ई और फैटी एसिड होता है जो आपके लंग्स को मजबूत रखता है। हरे पत्तेदार सब्जियां, हमें बचपन से हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की सीख मिलती है। फेफड़ों को स्वस्थ रखने में भी हरी सब्जियां का हाथ होता है। हरा साग बहुत हेल्दी होता है, इसमें कैरोटीनॉइड एवं एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे लंग्स मजबूत होते हैं। कोरोना से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय ने शेयर किए कुछ खास उपाय। इम्यूनिटी भी होगी मजबूत। जी हाँ, हेल्दी फेफड़ों के लिए इन फ्रूट से परहेज करें। जी हाँ, कौन से फ्रूट्स हैं? प्रोसेस्ड मीट। जी हाँ, प्रोसेस्ड मीट खाने से फेफड़े खराब हो जाते हैं क्योंकि मीट को प्रोसेस्ड करने के लिए उनमें नाइट्राइट मिलाया जाता है जो फेफड़ों में सूजन पैदा कर देता है। इसलिए बेहतर है कि प्रोसेस्ड मीट से दूरी बना लें। अगर दीदी आपके घर में कोई शराब पीता है तो शराब पीना लीवर के लिए तो नुकसानदायक है ही। शराब में मौजूदा सल्फेट्स और इथेनॉल आपके फेफड़े की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, इसलिए कम से कम शराब पिएं और कोशिश करें कि ना ही पिएं। जी हाँ दीदी, आप लोग अपने घर में सभी का ध्यान रखें, शराब ना पीने दें। फेफड़ों को रखना चाहते हैं मजबूत, बस डाइट में शामिल करें ये हर्बल 5 चीज़ें। 3, सिगरेट पीना फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये ना सिर्फ आपके फेफड़े कमज़ोर करता है बल्कि आपको लंग्स कैंसर तक हो सकता है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। बेहतर है कि कोविड काल को देखते हुए आप सिगरेट छोड़ दें। इस समय जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भैया या बड़े पापा हों या अंकल हों, जो भी इस समय मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग सिगरेट, शराब, नशे पत्ते की सारी चीज़ें छोड़ दें क्योंकि आपके साथ साथ आपका परिवार भी जुड़ा है। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीना भी फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होते हैं, ये आपके फेफड़े खराब कर देते हैं। इससे बच्चों में अस्थमा होने की संभावना भी हो जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस समय COVID-19 के समय कोल्ड ड्रिंक का उपयोग ना करें। जी हाँ, ठंडा होता है कोल्ड ड्रिंक और वो आपके फेफड़ों पर नुकसान भी पहुंचाता है। कोशिश करिए कि दिन भर में 4 बार आप लोग गर्म पानी पिएं और गर्म पानी में सेंधा नमक और नींबू का रस डालकर पिएं। इससे आपके फेफड़े साफ रहेंगे, आपको जो है कफ नहीं जमेगा। मेन तो कफ है क्योंकि COVID-19 में अक्सर कफ ही जम रहे हैं और कफ के कारण ही सांस में दिक्कतें आ रही हैं और ऑक्सीजन हमारे जो है गले तक नहीं पहुँच पाता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कोशिश करिए कि आप लोग गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के नींबू का रस निचोड़ कर उसको मिला कर पिएं। तो चलिए दीदी, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आप लोग सुरक्षित रहेंगे तभी आगे चल के हम लोग समूह अच्छे से चला पाएंगे और आपको हम साथ लेके चलेंगे। गरीबी जरूर दूर होगी एक न दिन। अभी तो फिलहाल अभी और भी महिलाएं काफ़ी परेशान हो चुकी हैं COVID-19 की वजह से। चलिए दीदी, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।